हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है और जिसे ज़्यादा मुनाफा चाहिए और वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ पेनी स्टॉक्स रेकमेंड करूँगा। वो क्या है कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा होता है और फिर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। और मैंने इस वीडियो में आपको कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग मेरी राय में है पेनी स्टॉक्स, उसको रेकमेंड करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जो भी मैं पेनी स्टॉक्स को बताना चाहता हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और पहला पेनी स्टॉक है सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड। ये क्या है कि एल्यूमिनियम कंपनी है, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करता है। इट हैज कंपनी ऑपरेट्स थ्रू टू सेगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 7 रुपीज 15 पैसा। बुक वैल्यू देखेंगे तो 5 रुपीज 77 पैसा है और पी देखिए फ्रेंड्स 9 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है। इसका 52 वीक्स हाई है 9 रुपीज 60 पैसा। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखिए फ्रेंड्स 0.91% है। फ्री कैश फ्लो देखिए, कंपनी पेनी स्टॉक के पास इस साल 2 करोड़ पैसा है, पिछले साल था 3 करोड़ 65 लाख। सो ये आप अगर इसको रखते हो तो मेरी राय में आपको ऑल टाइम हाई देखिए फ्रेंड्स 13 रुपीज 50 पैसे, आपको मिनिमम 13 रुपीज तक जा सकता है ये स्टॉक। और यहां देखिए द कंपनी हैज गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 128.16% ओवर 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में कंपनी ने मोर देन डबल प्रॉफिट दिया है। और कुछ नेगेटिव्स भी देखिए कंपनी का, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करता है और कंपनी के पूर ग्रोथ दिया है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम सेक्टर का स्टॉक है। सो मेटल शेयर्स उतना ग्रोथ नहीं देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट 3 ईयर्स 5% ही दिया है। लायबिलिटीज 22 करोड़ है। और फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए आपको दिसंबर क्वार्टर से अभी तक सेल्स देखिए 60 करोड़ से अभी तक 67 करोड़ तक आया। और प्रॉफिट्स भी देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट्स 2 करोड़ है अभी। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 4 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.9 6.33 6.76। इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी पे करता है 1 करोड़ 65 लाख। अगर आप ईयरली देखेंगे तो अभी मार्च 2018 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, इस 2019 में 5 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता है। सो अगर आपको अगर अच्छा प्रॉफिट देगा कंपनी तो मेरी राय में आपको यहां से 12 रुपीज तक तो जाना ही चाहिए ये स्टॉक। कंपनी के पास डेप्ट है 38 करोड़। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4.76 करोड़ कंपनी जनरेट करता है। सो ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी में, सो बहुत ही अच्छी नेट कैश फ्लो है 1.51 करोड़ है। सो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी में। मेन हमको देखना है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2 पॉइंट, मोर देन 2 मीन्स अच्छा है कंपनी।
डेप्थ टू इक्विटी 0.9 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 2 है, ये भी बहुत ही अच्छी है। सो इसको आप बाय कर सकते हो, मैं आप बहुत पैसा मत लगाओगे। अगर आपके पास एक 10,000 या 5,000 है अमाउंट, तो वो रख इसमें इन्वेस्ट करके आप छोड़ दो, जब भी ये 12 रुपीस आएगा तब आप एग्जिट कर सकते हो। मेरी राय में आपको 1 ईयर में 12 रुपीस तक आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। कंफर्ट इंटेक लिमिटेड इज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस NBFC कंपनी है, जो कि हमको मिल रहा है 1.22 रुपीस में। डेप्थ टू इक्विटी देखिए 0.02, कंपनी के पास 11.65, बुक वैल्यू देखिए मोस्टली 3 रुपीस बुक वैल्यू है। अभी चल रहा है स्टॉक 1.22 रुपीस पर। ग्राहम्स 0. यह वो ठीक है, वो छोड़ देते हैं। सो आपको कभी भी आप इसको खरीदोगे 3 ईयर्स का डेटा लेते हैं, 1.84 रुपीस है हाई, 5 ईयर्स में 2.49 रुपीस तक आया है। पॉजिटिव्स देखिए, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.39 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड भी पे करता है फ्रेंड्स 2.46%, 1.22 रुपीस शेयर आपको 2.46% डिविडेंड भी पे करता है। थोड़े नेगेटिव्स भी देख लेते हैं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में सिर्फ 3.23% है, ठीक है। फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स कंपनी कंटिन्यूसली लॉस से अभी प्रॉफिट्स में आ रहा है। NBFC स्टॉक है, क्योंकि NBFC का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए आप NBFC को होल्ड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सिर्फ 1 करोड़ प्रॉफिट था तो अभी यहाँ देखिए कंपनी अभी मार्च 2018 में 4.7 करोड़ प्रॉफिट दे चुका है। सो आप अगर इसको होल्ड करोगे लॉन्ग रन में, सेल्स थोड़ा डाउन है, लेकिन आप अगर होल्ड करते हो तो मेरी राय में आपको 3 रुपीस तो मिलना ही चाहिए। शेयर कैपिटल देखें, 2014 से कंसिस्टेंट है, पहले इसके पास डेप्थ था, लेकिन देखिए फ्रेंड्स कंपनी के पास बहुत डेप्थ था पहले 2012-13 में, अभी ऑलमोस्ट ऑल डेप्थ फ्री कंपनी हो गया है, और पहले इसके पास रिजर्व्स भी नहीं थे, अभी इसके पास 71 करोड़ रिजर्व्स भी आ चुके हैं, सो ऑलमोस्ट ऑल डेप्थ फ्री हो चुका है अभी। सो अगर ये कंपनी डेप्थ फ्री हो चुका है तो मेरी राय में फ्री कैश फ्लो भी, अभी देखिए नेट कैश फ्लो देखिए, पहले नेगेटिव आता है कैश फ्लो, लेकिन अभी पॉजिटिव है 12 करोड़ है, तो ये भी अच्छी है। सो मेरे राय में 3 रुपीस तो आना ही चाहिए स्टॉक में। दूसरा स्टॉक है की कॉर्प लिमिटेड, इसे बैंक होल्डिंग कंपनी, पी रेशियो 4 है, बुक वैल्यू देखिए 42 रुपीस है, ऑल टाइम हाई देखिए 52 रुपीस हाई देखिए 32 रुपीस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 9%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स से 12.43% है फ्रेंड्स। ग्राहम्स नंबर देखिए 50 रुपीस है, सो बुक वैल्यू भी 42 है। इसका चार्ट देखेंगे तो 31 है इसका हाई, अभी लो पर चल रहा है स्टॉक, 12 रुपीस पर चल रहा है।
इसका अभी कंपनी इज वर्चुअली डेप्थ फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.3 ऑफ बुक वैल्यू. दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग इट इज नॉट पेइंग डिविडेंड. और फिर द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ, ओनली 8% ग्रोथ किया है कंपनी ने. सो मोस्टली हम बुक वैल्यू के लिए टारगेट करेंगे तो हमको ग्रोथ, अगर ये पी देखेंगे तो सिर्फ 4.84 है. सो यहाँ से मेरी राय में 40 तक तो जाना ही चाहिए. अगर ये 3 times भी बढ़ा तो 32.4 पी है अभी. सो जीरो ग्रोथ कंपनी 12 पी तक जा सकते हैं. सो ये कंपनी अगर हम इसको देखेंगे तो 8% ग्रोथ. सो 42 तक तो जाना ही चाहिए इसको, सिर्फ 4 times बढ़ सकता है शेयर. मार्केट कैप सिर्फ 7 crore है. देखिए इसका कॉम्पिटिटर्स का मार्केट कैप कितना है. सेल्स ना अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में ये देख लेते हैं. एक मिनट का सेल्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है, प्रॉफिट्स भी बढ़ा रहा है. सो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 years का देखिए 6% है, 5 years का 6%. सो अभी गिर चुका है इसलिए 6% दिखा रहा है. अगर ये आप अगर ये स्टॉक अगर 32 देखेंगे तो 16-17% रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाता था. कंपनी के पास जो कैश फ्लो है 0.03. फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं, 30 lakhs फ्री कैश फ्लो है. सो ग्राहम्स नंबर भी अच्छा है. सो ये अच्छा, ये भी एक आप इसको भी आप खरीद सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो. सो दूसरा स्टॉक है नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड. सो नलिन लीज फाइनेंस प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर न्यू टू व्हीलर्स एंड गोल्ड लोन बिजनेस एक्टिविटीज अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नमेंट्स. इसका बुक वैल्यू देखिए 36 rupees है. स्टॉक पी 6.69. रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, इसका हाई देखिए फ्रेंड्स 30 rupees है. सो ऑलमोस्ट ऑल अपना बुक वैल्यू तक तो जाएगा. डेप्थ टू इक्विटी 0.68 जो कि आपको मन से कम होना चाहिए. इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो देखो 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2.93% है. सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5% है 3 years में. ग्राहम नंबर देखिए 46 आ रहा है, लेकिन मैं तो 36 rupees तक तो जा सकता है. 1 year नहीं 3 years सही देखते हैं, क्योंकि 1 year में मार्केट बहुत गिर गया था, 30 तक गया है. सो आप मेरे राय में आप इसमें कंजर्वेटिव हो तो 28 भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप उसको बुक वैल्यू तक तो जा सकता है ये स्टॉक. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.49 times बुक वैल्यू. प्रमोटर्स ने स्टेक खरीदा है, वो भी बहुत अच्छी बात है. कंपनी नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी है. पूर ग्रोथ में ओनली 0.1% ग्रोथ दिया है. रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 9% है लास्ट 3 years. सो देखिए फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस बजाज होल्डिंग्स का मार्केट कैप देखिए 5 crore है. सो सेल्स देखिए अभी क्वार्टरली ओके है, बढ़ रहा है प्रॉफिट्स कंपनी का. नेट प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑल अभी 1 crore तक आ चुका है. सो ऑलमोस्ट ऑल अच्छा है, नॉट बैड. सो अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हो फ्रेंड्स तो मेरी राय में आपको
ओनली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरे राय में आपको 35-36 रुपीज तक मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक है उमिया ट्यूब्स लिमिटेड, इंडिया बेस्ड कंपनी, मैन स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी 11 रुपीज है, इसका 52 वीक्स हाई देखिए 110 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है। बुक वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 14 रुपीज है, सेल्स ग्रोथ था 76, डेप्थ टू इक्विटी भी देखिए 0.18% है। सो ऑलमोस्ट ऑल 11 रुपीज तक गिर चुका है 108 रुपीज से 0.82 बुक वैल्यू, उसका मार्केट कैप सिर्फ 11 करोड़ है। सेल्स गिरा है फ्रेंड्स, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक बहुत गिर चुका है। बोरोइंग सिर्फ 2.23 है, ऑलमोस्ट ऑल ये शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि सेल्स बहुत गिर चुका है। हमको इस शेयर में प्रमोटर्स होल्डिंग्स को भी एक बार देखना चाहिए। परसेंट होल्ड करते हैं प्रमोटर्स। इस शेयर का रीजन तो मेरे राय में शेयर्स गिर चुका है बहुत, इसलिए शेयर गिर गया है। अगर शेयर्स पिकअप होंगे तो यह दोबारा आपको 100 रुपीज तक जा सकता है। उतना मुझे फंडामेंटल्स में उतना बुरा ही नहीं दिख रहा है। यह है एक अच्छा स्टॉक, और पहले स्टॉक 100 रुपीज से ऊपर हुआ करता था, फिर ये कंपनी अभी तो सिर्फ 7 रुपीज पर चल रहा है। देखिए डेप्थ टू इक्विटी देखिए 0.45% है, बुक वैल्यू देखिए फ्रेंड 60 रुपीज है बुक वैल्यू। ये तो आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए स्टॉक। इंटरेस्ट कवरेज 0.2 है, लेकिन फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास अच्छा। अभी देखिए 45 करोड़ है फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास। शॉर्ट टर्म टारगेट तो मिनिमम आपको 17 रुपीज तक तो जाना ही चाहिए। स्टॉक स्टॉक ट्रेड से 0.12 टाइम्स बुक वैल्यू, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, पूर ग्रोथ ग्रोथ नहीं है, सो 0% ग्रोथ। पी रेशियो देख लेते हैं, पी नहीं दिया है, लॉस मेकिंग है इसलिए पी नहीं दिया है। प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि लॉस दिया है 42 करोड़, लेकिन ये टर्न अराउंड केस है फ्रेंड्स, टर्न अराउंड कर सकता है। कंपनी के पास अगर देखेंगे तो रिजर्व्स है 996 करोड़, 950 करोड़, बॉरोइंग्स 445 करोड़, लाइबिलिटीज 192 है। सो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से कम ही है डेप्थ। सो ये कंपनी आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि उतना, और अगर 15 रुपीज ऐसा मिलेगा तो भी अच्छा है आपको। ये है पेपर कंपनी फ्रेंड्स, पेपर स्टॉक, और अभी इसका रेट है 22 रुपीज, बुक वैल्यू 26 रुपीज है,
रिटर्न ऑन कैप इक्विटी सिर्फ 9% है। कम स्टॉक ट्रेड्स 0.83 बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 9.77% है लास्ट 3 इयर्स, ओनली 9% ही रिटर्न दिया है फ्रेंड्स लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने। आप इस शेयर को खरीद कर रख सकते हैं पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स। मेरी राय में आपको 34 रुपीज तक तक जा सकता है ये स्टॉक। तो दूसरा ये भी एक अच्छा स्टॉक है, 14 रुपीज पर चल रहा है, 52 वीक्स है, देखिए 28 रुपीज है, बुक वैल्यू 40 रुपीज है। मेरी राय में 1-2 इयर्स में ये 40 रुपीज तक तो जा सकता है। Copper and Copper Alloys, the company manufactures seamless tubes, rods, bus bars. So ये mainly ये automotive sector, aluminium, ये सब का जो metal share है ये cubic tubing. So 3 years का देख लेते हैं, 41 तक गया था, फिर market गिरते ही गिर गया। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, वर्चुअली डेप्थ फ्री, बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक ट्रेड्स 0.3 टाइम्स बुक वैल्यू, गुड क्वार्टर आने की संभावना है। नेगेटिव है कंप्लीट पूर ग्रोथ, ओनली 5% ग्रोथ, सो देखना है कि तो स्टॉक पी तो 54 दिखा रहा है, लेकिन बुक वैल्यू देखे तो फिर क्वार्टर देखे अभी भी प्रॉफिट्स में आ रहा है कंपनी स्लोली, अभी भी अच्छा प्रॉफिट्स में आ रहा था। सो ओवरऑल मुझे तो ये स्टॉक क्यों अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि डेप्थ टू इक्विटी देखिए ओनली 0.13 है, फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 2 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2 से ज्यादा है। सो ग्राहम्स नंबर भी 18 रुपीज बता रहा है। सो मेरी राय में ये शॉर्ट टर्म में आपको 25 तक जा सकता है, अगर लॉन्ग रन में रखेंगे तो 40 भी आपको टारगेट मिल सकता है। ये कंप्यूकॉम है शेयर, ये पहले राकेश इंजन वाले के पास था, 10 रुपीज पर चल रहा है, बिग वैल्यू देखिए 15 रुपीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.66 बहुत कम है, डेप्थ टू इक्विटी 0.02, फ्री कैश फ्लो देखिए 9 करोड़, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.97, बहुत ही अच्छा कंपनी है। कभी ना एक जमाने में 100 रुपीज पास था, अभी सिर्फ 10 रुपीज पर चल रहा है स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 4% दिया है कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स। तो ये ऑलरेडी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट का कंपनी है, इसलिए आपको प्रॉफिट्स भी ओके है, नॉट बैड। सो एक दिन तो ये स्टॉक जरूर आप होल्ड करोगे तो एक दिन 100 रुपीज तो आपको जरूर मिलेगा स्टॉक में। सो यही था फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पेनी स्टॉक्स को बताना था जो मुझे लगते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत कम वैल्यूएशंस और अपने बुक वैल्यू से कम भी है, इसलिए मैंने ये वीडियो में आपको रेकमेंड करने को सोचा था। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है और मैं ये रेकमेंडेशन को आप मत लीजिए, आपका रिस्क एपेटाइट से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, पर मैं आपको इसमें निवेश करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि पैसा तो आपका है, सो रिस्क तो आपको लेना है। सो मेरी राय है कि आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको वीडियो बनाओ। सो
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कीजिए। तो ये वीडियो मैंने बहुत टाइम और बहुत रिसर्च करके बना है, तो कुछ लाइक कीजिए ताकि मैं और भी आपको नए वीडियोस, नए अंडरवैल्यू स्टार्स मुझे लगते हैं उसके साथ आपको रेकमेंड कर सकूं। सो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए। सो ये तो बहुत ही लंबा वीडियो था। सो जो इसने ये एंड तक ये वीडियो देखा है उसको एक 100 रुपीज़ बोनस भी मिल सकता है। सो उसके में भी आपको मैं नए वीडियोस में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए। बाय फ्रेंड्स।